हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डेस्क गुरु जी में। सूचना साहित्य के वीडियो लेक्चर चल रहे हैं। सी का पहला लेक्चर हो चुका था, दूसरा लेक्चर अपने आप लेंगे। दोस्तों, सी पढ़ते हुए सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही होगी आपको, और ये दिक्कत रियल भी है कि सी को जो आप पढ़ रहे होंगे ना, तो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो कुछ इस प्रकार के पूछे गए हैं। मैंने खुद ने भी कल ये चीज़ देखी। मैं पहले सी पढ़ाना आपको स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद जब मैंने आईए के पेपर उठा के देख लिया, लगभग 16 से 17 क्वेश्चन उसमें पूछे गए, जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज होता है सी का, और सी, सी प्लस प्लस, और फिर उसके बाद जावा और कोर जावा, फिर सी शार्प वगैरह ये लैंग्वेज आती है, उसके बाद एचटीएमएल का पार्ट आता है। मेन चीज ये है दोस्तों, सी को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो सी बहुत बड़ी लैंग्वेज है, इतने जल्दी ये चीजें नहीं होती, बहुत टाइम इसमें लगता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये कि फिर करें कैसे, क्योंकि 17 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, बहुत टाइम भी लग रहा है और समझ में भी नहीं आ रहा है। तो इसीलिए फिर मैंने एक तरीका निकाला है, बहुत ही सिंपल और साधारण, जिससे आपको भी फायदा होगा और हमारा भी टाइम बचेगा। दिक्कत यह है, अगर अपन सी को डीपली जाने, तो बताया था ना कितनी मोटी मोटी किताबें सी की होती है पहले लेक्चर में आपको, तो डीपली जाने की बात ही नहीं। आप यहाँ पर देखो, ये सारे क्वेश्चन आईए में आए हुए हैं, द रूल फॉर द एप्लीकेटर टाइप कन्वर्जन इन सी, इस टाइप का है। ये आपके ऑपरेटर्स के क्वेश्चन बने हुए, देखो ये सब क्वेश्चन पूछे हुए, सिंपल ऑपरेटर के क्वेश्चन, इसमें सी का डीप है ही नहीं। तो सी को अगर आप ऊपर ऊपर से देखेंगे ना, सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट ए प्रोग्राम इनटू द असेंबली लैंग्वेज इट कॉल्ड कंपाइलर असेंबलर इंटरप्रेटर लोडर, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, बहुत इजी इजी। तो मैंने एक तरीका निकाला है, यहाँ पर हम सी हु इज द इन्वेंटर ऑफ द सी लैंग्वेज, पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था डेनिस एमरिची ने किया था, तो उस प्रकार से हम यहाँ पर उन चीजों को पढ़ेंगे जो बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, जो कि जिनसे क्वेश्चन उठ उठ के आते हैं। और वहां पर जब आप इन चीजों को पढ़ रहे होंगे, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर के क्वेश्चन है, इस टाइप से अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, डिक्रीमेंट कैसे लगता है, इंक्रीमेंट कैसे लगता है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं अपने आईए के एग्जाम में, ये पूरे ऑपरेटर्स होते हैं। लेकिन डीप जो है ना, वो नहीं पूछा गया है, जो आपका बिल्कुल अंदर का पार्ट होता है, जैसे मान लो कि आप साइन फंक्शन का एक प्रोग्राम बनाइए या कुछ इस प्रकार का प्रोग्राम बनाइए, वो प्रश्न नहीं पूछे गए। उनका कारण ये है कि उनमें करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, आईए में इतना टाइम होता नहीं, इसलिए शायद उनको सिलेबस में नहीं डाला गया है। और अभी तक तीनों ही पेपर्स में 2008 के में, 2011 के में, 2013 के में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए, क्वेश्चन आए जो इस प्रकार के आए, जो कि बहुत ही ईजी है। और आप ऊपर ऊपर से अगर सी का ज्ञान लेंगे तो उसमें आपको आ जाएगा, क्योंकि सी के बाद अपना सी प्लस प्लस भी है, फिर उसके बाद एचटीएमएल भी है। तो यहाँ पर मैं आपको, पहली दिक्कत तो ये आएगी, दूसरी दिक्कत ये आती है, जब आप सी पढ़ने जा रहे हैं ना, सी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत आती है, आप चाहते हैं कि हमें सब कुछ हिंदी में मिले। तो जब आप हिंदी में मिलते हैं, तो हिंदी में आपको इस प्रकार का दिखता है, इस प्रकार की डेफिनेशंस होती है। दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन हिंदी में है, अभिज्ञान आइडेंटिफायर्स। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है दोस्तों, सी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे आप इंग्लिश को हिंदी में नहीं पढ़ सकते ना, इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार सी है ना, सी को भी आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। कारण इसका है, तेलुगु को किस में पढ़ते हैं, तेलुगु में पढ़ते ना, हिंदी में तो नहीं पढ़ते। उसका कारण ये, जो इन्वेंट हुई थी ना, वो इंग्लिश में ही हुई थी, इसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया है, लेकिन वो समझाने के लिए किया गया है, इतना कुछ उससे समझ। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर एक चीज आती है आइडेंटिफायर्स, अब आइडेंटिफायर एक नाम ही अंग्रेजी है, और नाम ही अंग्रेजी की डेफिनेशन अंग्रेजी है, बनाइए सी के लिए है। अब यहाँ पर हम आइडेंटिफायर को पढ़ते हैं, तो इसका मतलब डेफिनेशन कैसी होती है, ये प्रयोगकर्ता द्वारा दिए जाते हैं नाम, ये चरों फलनों, तो इस प्रकार के आपके हिंदी के बड़े आव्यूहों एरे जिन्हें हम कहते हैं, तो ऐसे आपको समझ में बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी में जो ट्रांसलेशन किया गया ना, वो बिल्कुल सिंपल, पता नहीं कैसे उसको टिपिकल बना दिया गया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ओनली इंग्लिश में पढ़ेंगे, ताकि आपको समझ में आए। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि पूरा इंग्लिश चलेगा, जो चीज मेन है उसको बताया जाएगा हिंदी में और बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको समझ, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखना है, चुपचाप ये मतलब ध्यान लगा कर ये लेक्चर देखना है, इसके बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। अब चलिए शुरू करते हैं सी के बारे में, जो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आपको समझ में आया ना किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपके पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं सी जनरल एस्पेक्ट, जो जो सिंपल चीजें हैं सी की, वो आपको पहले ही बता दी मैंने, एक बार फिर से रिवाइज करवा लेता हूँ। ओरिजिनली डेवलप इन द 1970s बाय द डेनिस एमरिची एंड टेलीफोन लेबोरेटरी जो थी उनकी, उसमें ये डेवलप की गई थी। सी इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, पहला प्रश्न तो यहाँ से बन जाता है, सी इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। अब आपके यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया था आईए 2013 में, डेनिस एमरिची का आंसर हो गया, यहाँ पर देख भी लिया कौन सा लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। जनरल पर्पज स्ट्रक द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, सी लैंग्वेज का मतलब होता क्या है कि
मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, कानों में मेरी आवाज आ रही है, तो आपको क्या आ रहा है, क्या क्या चीज समझ में आ रही है आपको? आपको ये समझ में आ रहा है कि इधर उस साइड आपके मोबाइल स्क्रीन की, आपके कंप्यूटर स्क्रीन की, लैपटॉप स्क्रीन की उस साइड दीपक शर्मा बैठा है, वो हमें पढ़ा रहा है, उसकी ये आवाज है, समझ में आ रहा है ना आपको? भले मैं दिख नहीं रहा हूँ फिर भी समझ में आ रहा है, तो क्यों समझ में आ रहा है? सोचा आपने? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्यों आ रही है? क्योंकि आप मेरी लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, ठीक है? आप, मैं जो बोल रहा हूँ हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में, जिस भी भाषा में आपको बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, देहाती भाषा में, राजस्थानी भाषा में, आपको समझ में आता है। उसी प्रकार से आप क्या कह रहे हैं वो आपके कंप्यूटर को समझ में आया है। इस वजह से सी लैंग्वेज का इन्वेंट किया गया कि आप क्या करना चाहते हैं वो कंप्यूटर को समझ में आया। कंप्यूटर को समझ में आया मतलब ऐसा प्रोग्राम बने जो उसको कंप्यूटर समझे, जिसमें हो तो कोडिंग, तो कंप्यूटर तो कोडिंग समझता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट किया गया, बनाया गया, इन्वेंट किया गया इसलिए कि कंप्यूटर उस चीज को समझे। तो ये बेसिकली कंप्यूटर की लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है, समझ गए? बहुत सिंपल डेफिनेशन। और क्यों समझता है? क्योंकि इसमें बने हुए जो प्रोग्राम है, जैसे हम करते हैं इंक्लूड एसटीडीआईओ डॉट एच, इंक्लूड कोनी डॉट एच, फिर आपका वर्ड मेन आता है। मेन क्या होता है? मेन फंक्शन वो होता है जिसमें आपका पूरा खेल चलेगा। ब्रैकेट आता है ना, दो ब्रैकेट आते हैं, उन ब्रैकेट्स के बीच में इस प्रकार से यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट होते हैं, इन ब्रैकेट्स के बीच में जो पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है आपका, तो इन सभी चीजों को ये सी जो है समझाता है कंप्यूटर को। अब कैसे समझाता है? इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मान लैंग्वेज का कोई चीज है तो अल्फाबेट में न्यूमेरिक कैरेक्टर आ जाएंगे, ये से स्पेशल सिंबोलिक कैरेक्टर आ जाएंगे, इनको आगे हम पढ़ेंगे। आइडेंटिफायर, कीवर्ड, जो आपके कॉन्स्टेंट होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, और जो फंक्शन सिंबल होते हैं, सब प्रकार के चीजें यहाँ पर आती है। इस तरीके से ये चीज सी जो है कंप्यूटर को समझाता है, बहुत सारी चीजें इसमें होती है। तो सबसे बेसिक बात आपको समझ में आई, ये हाई लेवल लैंग्वेज है और कंप्यूटर को ये समझ में आती है, कंप्यूटर यानी आपके जो डिवाइस है उसको ये समझ में आती है, इसलिए बनाया गया था। बनाया कैसे? यूनिक्स के लिए बनाया गया था ये। अब बात करते हैं, सी कंटेन्स एडिशनल फीचर दैट अलाउ टू बी यूज एट अ लोअर लेवल, एक्टिंग अ ब्रिज बिटवीन द मशीन लैंग्वेज एंड द हाई लेवल लैंग्वेज। समझ गए आप? सी एक प्रकार से उस प्रकार से काम करता है जो हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज तो जानते होंगे ना, हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के बीच में एक पुल की तरह कार्य करता है। समझिए बात, यानी बीच का ये लैंग्वेज होता है हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के बीच में एक पुल की तरह कार्य करता है। इसकी बातें उसको समझाता है और उसकी बातें इसको समझाता है, ताकि आप जो भी चीज, जो भी प्रोग्राम बना के देते हो वो वहां पर रन हो सके। बेसिकली अगर सिंपली अपन बात करें तो टर्बोसी एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें हम प्रोग्राम करके बिल्कुल देखेंगे कि किस प्रकार से सारे प्रोग्राम होते हैं। फिलहाल हम बेसिक पढ़ रहे हैं, आगे के जो लेक्चर होंगे उनमें सब चीजें मैं बताऊंगा आपको, किस प्रकार से प्रोग्राम समझता है, किस प्रकार से इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होता है, प्रोग्राम को कंपाइल क्यों करते हैं, गेट सी एच क्यों लगाते हैं, अगर गेट सी एच नहीं लगाते तो आपकी जो आउटपुट स्क्रीन होती है वो सड़क क्यों होती है, 1 मिनट के बाद वापस क्यों चली जाती है अगर गेट सी एच नहीं लगाए, तो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। गेट सी एच का क्या प्रयोग होता है, इंक्लूड एसटीडीआई डॉट एच का क्या प्रयोग होता है, कोनियो का क्या प्रयोग होता है, वर्ड मेन क्यों लगाते हैं, सारी चीजें हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कैरेक्टर्स। तो मैंने आपको बताया ना क्या क्या चीज समझने की होती है, किस प्रकार से ये समझती है। तो अब आता है सबसे पहली बात, कैरेक्टर ऑफ सी, यानी कि ऐसे शब्द जिनको सी जो है समझाना चाहता है कंप्यूटर को, उसके लिए वो क्या चीज यूज करता है, कैरेक्टर्स यूज करता है। कैरेक्टर में क्या होता है, सी लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट सम कैरेक्टर्स, कुछ एक कैरेक्टर इसके पास होते हैं, नंबर, सिंबल, स्पेशल सिंबल, दिस कैरेक्टर सेट टू कंसिस्ट, सी कंसिस्ट ऑफ द ऑल द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सी कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट ए टू जेड एंड कैपिटल ए टू जेड। दोस्तों एक चीज यहाँ पर समझने वाली है, प्रश्न भी कई बार बने हुए हैं, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज मतलब यहाँ पर अगर आप स्मॉल ए लिखेंगे तो उसका मतलब और होगा, और आप कैपिटल ए लिखेंगे तो उसका मतलब और होगा। जब हम आपका नेटवर्किंग का पार्ट भी कोडिंग होती है, राउटर के अंदर जाने के बाद आपको सो इंटर डिस्क्रिप्ट करना हो या आपको पिंग लगाना हो, तो आप किसी में भी लिखें वो कैश सेंसिटिव नहीं होता। मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर मैं यहाँ प्रैक्टिकली बात करूँ तो ये बेसिकली ये होता है सी का कंपाइलर, जो स्क्रीन होती है आपकी टर्बो सी के अंदर वो इस प्रकार की होती है। यहाँ पे लिखा है इंक्लूड एस टी डी आई डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच, फिर इंक्लूड मैथ डॉट एच, ये अलग अलग प्रकार की हेडर फाइल्स है। वर्ड मैन यहाँ पे लिखा है, वर्ड मैन एक फंक्शन होता है जिसके अंदर अपन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, उसी में सारा प्रोग्राम अपन लिखते हैं। अब जहां से ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ ना, जहां तक ये ब्रैकेट वापस ऐसे
बंद नहीं होता, कर्ली ब्रेक जिसे हम कहते हैं, तब तक ये प्रोग्राम चलेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये जो कैच सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, यहाँ पर एंटर लिखा है द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल। इस प्रकार से अगर इनका जो है आपका कहते हैं इसको छोटी एबीसीडी में लिखे हुए हैं, छोटे अल्फाबेट्स में, अगर इनको लार्ज अल्फाबेट में लिखे तो इनके मतलब कुछ अलग हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ये चीज लैंग्वेज जो है कैच सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइड मैन को अगर आप जो इंट मैन होता है उसको अगर आप कैपिटल लिख देंगे तो उसका अर्थ कुछ अलग हो जाएगा। कॉन्स्टेंट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा कैपिटल में, तो इसका अर्थ कुछ अलग है। इसको स्मॉल में लिखेंगे तो इसका अर्थ कुछ अलग हो जाएगा। इस प्रकार से चीजें होती है। एक बात मैं आपको और बताऊं, किसी ने कल मुझे से पूछा था कि सर ये परसेंट सी या परसेंट डी क्यों लगाते हैं, तो करेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए परसेंट सी लगाते हैं, और जो स्लैश एन होता है वो लगाया जाता है, आपकी लाइन जो है वो खत्म हो जाती है, तो उसको अगली लाइन से अगर आपको स्टार्ट करना है तो स्लैश एन लिखा जाता है। और जो ये आपका ये लगा हो ना सेमी कोलन डबल डॉट जिसे आप कहते हैं, सेमी कोलन जो है किसी लाइन को एंड के लिए लगाया जाता है, बोले इसके बाद प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसी में ये पूरा प्रोग्राम है। इंट इंट एक इंटीजर लिया हुआ है इन्होंने, और उस प्रकार से एक इंट दे करके फंक्शन को उसको डिफाइन किया हुआ है कि क्या क्या चीज इसमें करना है, आर आर से इसमें मल्टीप्लाईजन में कर रखा है। इस प्रकार से ये पूरा एरिया का जो है वो प्रोग्राम बना रखा है। तो इस प्रकार से ये पूरा चीजें सी में होती है। तो यहाँ पे आप एक बात समझ में आती है कि इन्होंने खुद ने अपने करेक्टर जो है डिजाइन किए हुए हैं सी में, और उस प्रकार से ये काम करते हैं। तो कितने प्रकार के करेक्टर होते हैं, लैंग्वेज करेक्टर, अल्फाबेट करेक्टर, न्यूमेरिक करेक्टर। अल्फाबेट करेक्टर में दो टाइप के होते हैं, एक तो ए टू जेड स्मॉल, एक ए टू जेड कैपिटल। उसके बाद अपन बात, अब करेक्टर का आपका प्रश्न आता है तो गलत नहीं होना चाहिए, इतना बढ़िया डीपली अपने पढ़ लिया है। बात करते हैं स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल की बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे आपका ये कर्ली ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट होता है ये, और जो सिंबल है आपका प्लस माइनस जो जो भी होता है परसेंट का, स्लैश का, और भी चीज़ें होती हैं इसमें आपके, कोमा वगैरह, वो सारे स्पेशल जो सिंबल होते हैं वो काम में आते हैं। द वर्ड फॉर्म फ्रॉम द कैरेक्टर सेट आर बिल्डिंग द ब्लॉक ऑफ सी समटाइम नोन एज द टोकन। यानी कि टोकन किसे कहते हैं, द वर्ड्स वो शब्द फॉर्म फ्रॉम द कैरेक्टर, कैरेक्टर से जो शब्द बनते हैं आर बिल्डिंग अ ब्लॉक, वो शब्द से जो बनते हैं उन्हें हम सी में क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। अब टोकन के बारे में अगर कोई प्रश्न आए तो ये चीज आपको गलत नहीं होना चाहिए, दीज टोकन रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल एंटिटी ऑफ द लैंग्वेज। ये जो टोकन होते हैं वो एक एक चीज की पहचान बताते हैं। तो उस प्रकार से जैसे मान लो कि जो सिंबल अपने हैं वर्ड फॉर्म जो है, जो सिंबल अपनी उनके द्वारा जो चैरेक्टर यहाँ पे दिए हुए हैं, सेट जो चैरेक्टर होते हैं उनसे वो एक ब्लॉक बनाते हैं ना, उसे हम टोकन कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है कर्सर लिखा हुआ, तो ये तो क्या हो गया इनमें, यहाँ पे जो ये तो अपने कैरेक्टर हो गए, और इस प्रकार से अपन ये पूरा बनाए तो ये क्या बन गया, एक टोकन बन गया। इस प्रकार से पूरी जो चीज हुई, तो जो एक ब्लॉक बनता है उसे अपन टोकन कहते हैं, कैरेक्टर और यहाँ पे लिखा हो ना कैरेक्टर और जो वर्ड्स फॉर्म होते हैं उनको मिलकर। तो ये अपना ये तो वर्ड्स हो गया, ये कैरेक्टर हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक टोकन कहेंगे सी लैंग्वेज में। ठीक है, समझ में आई बात? तो टोकन के आपको समझ में आ गए। और ये क्या करते हैं, टोकन आर रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल एंटिटी ऑफ द लैंग्वेज। इंडिविजुअल एंटिटी यानी एक स्पेसिफिक पहचान बताते हैं कि जैसे मान लो कि मेरा नाम है दीपक शर्मा। अब मैं अगर दीपक कहूँ तो आपको क्या समझ में आएगा, होगा कोई दीपक, लेकिन मैं अगर कहूँ मैं दीपक शर्मा हूँ तो आपको क्या चीज समझ में आएगा कि हाँ यार ये जनरल कैटेगरी से आता है। जैसे मान लो मेरा नाम दीपक और भी कुछ है, तो मेरी अगर सरनेम से मेरी कास्ट पता चलती है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर मान लो कर्सर के सामने ये लग गया या वाइड मैन लग गया, ये इस प्रकार इनके हेडर फाइल इंक्लूड लग गई, तो इस प्रकार से एक टोकन बन गया ना। टोकन क्या बता रहा है, टोकन इसकी जात बता रहा है। टोकन इसकी जात क्या होता है, जात से पता चलता है कि हाँ ये किस काम के लिए है, किसी में किस काम के लिए। तो एक फॉर्मली अपन समझने के लिए जात शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है। तो इस प्रकार से ये चीजें डिफाइन होती है, इन्हें हम कहते हैं टोकन, पूरी चीज को समझ में आए। अब फॉलोइंग टोकन्स के टाइप्स होते हैं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के होते हैं सब कुछ। आइडेंटिफायर होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, और भी टाइप के जो सिंगल आपके होते हैं। अब आके देखते हैं अपन टोकन्स की बात करते हैं। सबसे पहले आता है आइडेंटिफायर। अब आज अपने यहाँ पर देखते हैं आराम से समझते हैं। एससी प्रोग्राम कंसिस्ट टू टाइप ऑफ एलिमेंट, यूजर डिफाइन एंड सिस्टम डिफाइन। एक तो होता है जिसे यूजर डिफाइन करता है, एक होता है जिसे सिस्टम डिफाइन करता है। अब यूजर डिफाइन सिस्टम डिफाइन भी सीधी सी बात है भाई, क्या चीज है अपने, इंक्लूड एसटीडीआई डोटेज, कोनी डोटेज। तो इस प्रकार से इनपुट आउटपुट जो आपका होता है वो यहाँ से डिफाइन होता है। अब इनको यूजर भी डिफाइन कर सकता है और एक सिस्टम डिफाइन करता है। तो सिस्टम क्या डिफाइन करता है, सिस्टम इसके एनेब करेगा,
स्क्रीन टैप क्या करेगा, वो भी सारा सिस्टम ही करता है। तो उस प्रकार से एन आइडेंटिफायर इज अ वर्ड यूज बाय अ प्रोग्रामर टू नेम अ वेरिएबल फंक्शन और लेबल। अगर आपको वेरिएबल फंक्शन या लेबल को कोई नाम देना है तो आपको एक आइडेंटिफायर यूज करना होता है। आइडेंटिफायर कुछ नहीं होता, बेसिकली ये सिंपल डिजिट होते हैं, ऑर्डर होते हैं, नंबर होते हैं। हमने पिछले लेक्चर में बताया था ना कि अगर अपन को एडिशन का प्रोग्राम बनाना है तो दो संख्याओं को जोड़ना है तो अपन क्या करेंगे, एक को आई मान लेंगे, आई एक को जे मान लेंगे, एक को जो रिजल्ट उनका आएगा दो संख्याओं का उसको मान लेंगे के। तो अपन ने क्या किया, सिंपल लेटर डिजिट ही तो लिए और उनको क्या कर दिया, चैप्टर के हिसाब से लेबल कर दिया कि ये आई है, ये जे है, उनका रिजल्ट आएगा ओके है। इस प्रकार से पूरा आइडेंटिफायर काम करता है। तो आज अपन ने देखा किस प्रकार से क्वेश्चन आई में पूछे गए हैं और सी के क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, फ्लोट क्या होता है, ये सब चीज़ें, जिससे टोकन क्या होता है और सबसे मेन टॉपिक आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आगे हम कल भी अलग अलग चीज़ें देखेंगे, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट। मैं चाहता हूँ ये सारी चीज़ें आपको जो है हिंदी में प्रोवाइड कराऊँ, इसलिए मैं आज इस वीडियो लेक्चर को यहीं एंड कर रहा हूँ। आगे से जितने भी आपके टॉपिक होंगे उनको मैं हिंदी में करवाने की कोशिश करूँगा, भले उसके लिए मेरे को नोट्स हाथ से बनाने पड़े या कुछ भी करने पड़े। तो फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ डी एस गुरुजी के साथ। तमाम मटेरियल जो है हमारा वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, जाके आप उसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, सभी जानकारियाँ हैं और सभी चीज़ें हैं। हर एक चीज़ अपन यहाँ पे करेंगे। सी अभी चल रहा है अपना, एक दो तीन लेक्चर तक अभी और सी चलेगा, उसके बाद अपन पूरा कन्फर्म आपका सी करा देंगे। ऐसा नहीं है कि सी में कोई चीज़ छोड़ी जाएगी, उसके बाद सी प्लस प्लस होगा और सी प्लस प्लस के बाद अपन, वैसे तो अगर सिक्वेंसली अपन देखें तो सी प्लस प्लस के बाद आपका कोर सी आता है, कोर जावा आता, जावा आता है, उसके बाद कोर जावा, और सी की जो अपडेटेड वर्जन होता है उसे हम कहते हैं शार्प सी, वो आता है सी शार्प जिसे हम कहते हैं। तो वो टाइप का तो आपको दिया नहीं है, इतना डीपली अपन जाएंगे नहीं, आपका HTML का पार्ट है, तो इसके बाद C++ के बाद HTML का पार्ट करेंगे अपन। तो इस प्रकार से आपका कोर्स जो है लगभग लगभग अब अंत की ओर है। मेरा कहना ये है कि आप जो पुराने वीडियो लेक्चर हैं उनको दोबारा देखना स्टार्ट कर दीजिए, या आपके नोट्स अगर आपने बना रखे हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम जो है 5 तारीख की डेट दे रखी है, लेकिन कन्फर्म मैं भी नहीं कहता क्योंकि उसमें डेफिनेटली चेंज हो सकते हैं। चेंज होने का कारण क्या है, इतना जल्दी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी मैक्सिमम फॉर्म तो अभी भरे ही नहीं है। आज 3 तारीख हो गई है, 4, 5, 6 तक फॉर्म पूरे भरेंगे, तो अभी देख लेते हैं क्या चीज़ होती है क्या चीज़ नहीं होती। इस टाइप का बस ये असाइनमेंट ऑपरेटर के जो क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो कल के वीडियो लेक्चर में ये सब चीज़ें होंगी और सारी चीज़ें हिंदी में होंगी। मैं कोशिश करूँगा हिंदी के अगर कहीं से फॉन्ट मिलते हैं, कुछ चीज़ मिलती है तो वो मैं आपके लिए लेके आऊँ। फिलहाल अपना 24 ये लेक्चर था जो आज ख़त्म होता है, अगले लेक्चर में मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world's